नाड़ू का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से जो गुड़ है ना, ये गुड़ को मैंने सिल लोड़ा में ऐसा थोड़ा सा पीस लिया है, पीस नहीं थोड़ा सा उसको डिगला डिगला था ना उसको तोड़ लिया है। और ये जो अभी बोले थे ना नारियल, इसको अभी पीस के ऐसा पाउडर ऐसा बना लिया है। इसमें अभी हम इस गुड़ को जो है ऐसा मिलाएंगे और उसको मिला देंगे हाथ से पहले, और इकट्ठा फिर कढ़ाई में डालेंगे। जब कढ़ाई में डालेंगे नाड़ू बनेगा तब आप लोग को फिर से बनाएंगे। ये जो सील लोड़ा है ना, मैं दिखाने के लिए इसलिए वीडियो कर, ये सील लोड़ा मेरा माँ का है, मम्मी अब नहीं है, पर ये सील लोड़ा से पीसने से मेरे को बहुत एक अलग ही फीलिंग से आ रहा है, और थोड़ा मतलब मेरा जो विल पावर थोड़ा बूस्ट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहीं कहीं है। तो ये बहुत पुराना है, इसका एज बताएंगे तो ताज्जुब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसका एज होना चाहिए 65 से ऊपर, इसका एज माँ का, माँ के हाथ का है। इतना कायदे से रखती थी माँ इसको, और मसाला इतना बढ़िया पीसता है, मिक्सी क्या पीसेगा जिसमें जो अदरक जीरे का पेस्ट जो चंदन जैसा, माँ बोलती थी चंदन जैसा पीस, तो ये चंदन जैसा ही पीसता है, इतना इसमें मतलब लक्ष्मी जैसा इसमें गुण है। माँ का नाम भी लक्ष्मी है, और मतलब वैसा वाला नाम नेट नेम जो लक्ष्मी है वैसे उनका नेम सुबर्णा है, सुबर्णा हाँ है। पिताजी का नाम नारायण, माँ का लक्ष्मी, ईश्वर ने दोनों का जोड़ी का भी नाम वहीं से बना दिया ऊपर से, तो दोनों ही नहीं है। पर मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ, जो मेरे पास फिजिकली नहीं है वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट में मेरे साथ ऐसा खड़े हैं। मेरा ऐसा लगता है कि ये सब मेरा बैकबोन है। ठीक है, चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब नाड़ू बनाएंगे कढ़ाई में डालेंगे फिर आप लोग को इसको जो है प्रोसेस बताएंगे। पहले अभी जो है ना खीर में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, खीर में ये ठीक ओके।